चाचा ऐसा ही लो और आप अपने साथ वालों को बुलाओ ना जाए अमन। तस्वीर में दिख रहे एक शख्स को तो आप बखूबी जानते होंगे, लेकिन बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद पटेल जिनका सम्मान कर रहे हैं शायद उनसे आप भी अनजान होंगे। दरअसल अधेड़ से नजर आ रहे इस शख्स का नाम हेमराज अहिरवार है। हेमराज पिछले 40 सालों से भाजपा के सजग कार्यकर्ता हैं। पार्टी से जुड़े 4 दशक बीत जाने के बाद भी हेमराज को कभी ये नहीं लगा था कि पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता उन्हें ऐसा सम्मान देगा। लेकिन अपने बूथ में जगह जगह घूमने निकले प्रहलाद पटेल ने लोगों की सोच से परे जाकर ये काम कर दिखाया। इस दौरान पटेल ने ये भी कहा कि हेमराज जी तब से पार्टी की सेवा कर रहे हैं जब हमारी पार्टी बड़े संघर्ष के दौर से गुजर रही थी। बात राजनीति करने आए, मैंने जब हेमराज जी का परिचय दिया कि 42 साल पहले जब हमारी पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाती थी, और भी लोग हैं जिनने 50 साल काम करते हुए हो गए, ये फर्क करना पड़ेगा कि पार्टी में लोग काम क्यों करते हैं। जो कार्यकर्ता है उसको इस बात का विचार करना चाहिए, लेकिन जो मतदाता है जो किसी पार्टी का सदस्य नहीं, उसको इस बात का विचार करना चाहिए कि वो वोट किसी पार्टी को क्यों दे। अक्सर जो चर्चा होती है वो आपकी कान तक भी आती है, आप ही कहते हैं तब वो बाजार में जाती है, किसान वोट तो बिकता है, कभी शराब में बिक जाता है, कभी पैसे में बिक जाता है, या तो बिकता है या कहीं दबाव में पड़ जाता है, कहीं जातिवाद के आधार पर चला जाता है। लेकिन लोकतंत्र में वोट देने के ये तरीके सारे गलत हैं। वोट में देने का तरीका होना चाहिए कौन ठीक आदमी है, किस पार्टी का काम करने का तरीका क्या है। हम लोगों से बरसों तक हरिजन वोट नहीं देता था, पर हमारा कार्यकर्ता कहता था कि भैया वो तो उनके घर में वोट तो मिलेगा ही नहीं, हेमराज जी ज्यादा अच्छे से बताएंगे। कार्यक्रम के बाद प्रहलाद पटेल ने बूथ की गलियों में जाकर लोगों से जनसंपर्क भी किया और अपने पुराने कार्यकर्ता हेमराज के घर भी पहुंचे। खुद को मिले सम्मान के बाद हेमराज और उनका परिवार काफी खुश नजर आया। हमें तो बहुत अच्छा लगा भाई जी, क्योंकि केंद्रीय मंत्री हमारे यहाँ कभी आए नहीं इतने। पहली बार आए? पहली बार। कैसा लगा जब आपकी बस्ती में वो केंद्रीय मंत्री यहाँ चल के? यहाँ उल्लास, पूरे बाढ़ में पूरे बाढ़ उल्लास की लहर फैल रही। ऐसा क्या प्रोग्राम क्या था? बूथ प्रभारी प्रोग्राम था। तो आप यहाँ के बूथ प्रभारी हैं जी, पार्टी कार्यकर्ता जी। सर कब से जुड़े हुए हैं आप पार्टी? मिनिमम 40 साल से जुड़े हम लोग। 40 साल से? हाँ। मंत्री जी आपकी खूब तारीफ कर रहे थे। बाबा उनकी कृतज्ञता है भाई। मंत्री जी तो आपकी काफी तारीफ कर रहे थे मंच से। वो उनकी कृपा है मंत्री जी। आपके घर भी आए जी? घर भी आए, आधा गिलास पानी पिया। कैसा लगा उनसे मिलके? बहुत प्रसन्न था। केंद्रीय मंत्री का काफिला होता हुआ वार्ड में पहुंचा और यहां के बूथ अध्यक्ष के घर पहुंचा। आप देख सकते हैं यहां पर पूरी तैयारियां थी और ये वो तमाम कार्यकर्ता हैं जिन्होंने भाजपा के किसी भी बड़े नेता को अभी तक देखा नहीं था, लेकिन आज केंद्रीय मंत्री क्या आए, आए तो आए बल्कि वो फूलों की माला लेकर आए और ऐसे छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं को उनने प्रोत्साहित किया है कि आज एक एक कार्यकर्ता उत्साह से भर गया है। और तो और जो बीते 40 सालों से पार्टी का कार्य कर रहे थे उनके घर पहुंचे, उनके यहाँ बैठे और आज वो भी अपने साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री को अपने घर पाकर उत्साहित हैं। इम्तियाज चिश्ती, दम। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।